हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड पे। आई एम प्रदीप योर जीएसमेंट एंड वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन ऑन अनअकैडमी। सो हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी लोग? प्लीज एक बार बता दें, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? नमस्ते प्रियंका, नमस्ते, खुश रहिए। हाई एवरी वन, आई एम रवि सिंह योर जीएस मेंटर, वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन ऑन अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। वी आर हियर टू क्रैक द सीडीएस एफकेट सीबीए प्लेक एग्जामिनेशन विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। These are my educational background. I'm a post graduate teaching since 2014. Till now, I have been mentored more than 10,000 students. We are here to crack the CDS FPET CEP flag examination on India's largest learning platform, Unacademy. Get the plus subscription and access the unlimited access classes, live classes, and recorded classes of Unacademy. You will get the daily live classes, live tests and quizzes, and also the unlimited access and structured courses of Unacademy. So just you have to download the Unacademy learning and start your journey towards your success, towards your goals, towards your dreams. You can unlock the free content with my code Ravi, and you can आप सभी प्रकार की स्पेशल क्लासेस को, फ्री क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड। आप ज्वाइन कर सकते हैं वेरियस क्विजेस को। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द वेरियस क्विजेस ऑफ अनअकैडमी। हियर यू विल गेट द मोर देन 1423 कोर्सेस। यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम by using the link which is given in the video description. The very first question for you in your screen, on your screen. Sudarshan Lake was repaired second time under the reason of? सुदर्शन झील किसके शासन काल में दूसरी बार मरम्मत की गई थी? सुदर्शन झील की दूसरी बार मरम्मत किस शासक ने करवाई? स्कंदगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, रुद्रदामन ने, या फिर पांडुदत्त ने? चलिए बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने दूसरी बार स्कंदगुप्त ने दूसरी बार सुदर्शन लेक का निर्माण करवाया था, सॉरी रिपेयर करवाई थी। कहाँ से पता चलता है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से इसके बारे में जानकारी मिलती है कि सुदर्शन लेक जो कि एक आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर है। रिजर्वॉयर क्या होता है? जहां पे बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है, बारिश के फ्लड के पानी को इकट्ठा किया जाता है। मौर्यन एम्पायर्स ने, मौर्यन राजाओं ने, एम्परर्स ने इसको चेक किया था, इसको बनवाया था। अराउंड 150 AD, 150 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था इसको। शक रूलर रुद्रदामन फर्स्ट ने इसको फर्स्ट टाइम रिपेयर कराया था, और सेकेंड टाइम किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने। राम राम, राम राम ग्रीवर, खुश रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच मुगल रूलर हैड हायर नंबर ऑफ हिंदूज एज मनसबदार देन मुस्लिम अंडर हिज एडमिनिस्ट्रेशन? किस मुगल शासन
राम राम गिरवर वन्ना, राम राम, खुश रहिए, खूब तरक्की करें, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। चलिए, किस मुगल शासक के शासन में मुसलमानों की तुलना में मनसबदार के रूप में हिंदुओं की संख्या अधिक थी? अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के, या शाहजहां के? बताइए क्या होगा आंसर। ए अकबर? नहीं भाई गिरवर जी, इसका होगा औरंगजेब। अकबर के टाइम पे 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5 हजार ही कहलाए जाते थे, 5 हजार ही, जिनके अंदर में 5 हजार की सेना हो। ठीक है, औरंगजेब के टाइम पे थे ये 79, 5 हजार, 5 हजार ही मनसबदार जो थे 79 थे, और इनमें सबसे ज्यादा हिंदू थे, इनमें सबसे ज्यादा हिंदू थे। ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया था? मुगल शासन में मुगल दरबार में नाच गाने पर पाबंदी लगा दी थी, नाच गाने पर पाबंदी लगा दी थी। इसने सिक्कों के ऊपर जो खुतबा लिखा जाता था, आयतें लिखी जा रही थी, उसको बैन कर दिया था, सिक्कों को बैन कर दिया था। क्या हुआ भाई, बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग तो नहीं हो रही श्रीकांत? चलिए अगला क्वेश्चन है, शाफी लानफी आर ट्रेडिशनल टेक्सटाइल फैब्रिक इज अ जीआई प्रोडक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? शाफी लानफी एक पारंपरिक कपड़ा है, निम्नलिखित में से किस राज्य का जीआई उत्पाद है? शाफी लानफी किस राज्य का जीआई उत्पाद है? असम का, मणिपुर का, जम्मू एंड कश्मीर का, या आंध्र प्रदेश का? चलिए आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। शाफी लैंडफी ए ट्रेडिशनल टेक्सटाइल फैब्रिक इज अ जीआई प्रोडक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? जल्दी से बताएं। तो शाफी लैम्फी कहाँ का है? मणिपुर का। मणिपुर का ये कपड़ा पहले जो नागाज होते थे, नागा जनजाति के जो लोग होते थे, और युद्ध में बहुत विशेष काम किया करते थे, युद्ध वगैरह में बहुत ज्यादा विशेष काम किया करते थे, उनको भेंट किया जाता था, उनको भेंट किया जाता था। ठीक है, ये उनको भेंट किया जाता था, गिफ्ट किया जाता था, ऑनर में माना फी कहा जाता था। फिर बाद में धीरे 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 इसको नागाज ने, जो बहुत ज्यादा जो अच्छे काम करते थे, प्रशासनीय प्रमुख हुआ करते थे, उनको ये कपड़ा देने लगे। और ये मेईतेई महिलाओं द्वारा, मणिपुर की मेईतेई महिलाएं होती थी, उनके द्वारा इसको बनाया जाता था। द पुलिवर्जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रे बेलियड ट्रैगोपैन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पुलिवर्जी वन्य जीव अभयारण्य जो ग्रे बेलियड ट्रैगोपैन का प्राकृतिक आवास है, किस राज्य में स्थित है? पुलिवर्जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रे बेलिड ट्रैगोपैन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पुलिवर्जे वन्य जीव अभयारण्य जो ग्रे बेलिड ट्रैगोपैन का प्राकृतिक आवास है, किस राज्य में स्थित है? बताइए आंसर करें।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये नागालैंड में स्थित है, नागालैंड में मौजूद है। नागालैंड में पुलिवर्जे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लोकेटेड कहाँ पे है, कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में, और ये 923 हेक्टेयर में फैली हुई सेंचुरी है, 923 हेक्टेयर में फैली हुई है, और नेचुरल हैबिटेट है क्या, प्लेज ट्रैगोपैन का, ग्रे वैली ट्रैगोपैन का। अगला क्वेश्चन है, हु इज द नॉन नॉन हु इज नॉन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, जल्दी से आंसर करना है। एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीस कुरियन, या नन ऑफ द एबव। बताइए, एम एस स्वामीनाथन, अमर, नहीं भाई गलत है, नॉर्मन बोरलॉग। देखिए अगर हिंदुस्तान की बात होगी, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन डालने वाले एम एस स्वामीनाथन थे, लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग है, और वर्गीस कुरियन को वाइट रिवोल्यूशन के लिए जाना जाता है, सफेद क्रांति, दूध से रिलेटेड। नॉर्मन बोरलॉग इसके आंसर, डॉक्टर स्वामीनाथन इज नॉन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, नॉर्मन बोरलॉग इज नॉन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइल वर्गीस कुरियन इज नॉन एज फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, 1960 के 1960 वाला दशक के अंतिम दशक में क्या हुआ था, स्वामी स्वामीनाथन ने प्लांट जेनेटिक्स थे, अनुवांशिकीवाद के ने क्या किया, हरित क्रांति का डिजाइन तैयार किया और एक बहुत बड़ी ह्यूज डेवलपमेंट की, एफर्ट किए जिससे कि भारत में खाद्य पे आत्मनिर्भर हो जाए, भारत खाद्य में आत्मनिर्भर हो जाए, जो दशकों से अकाल से पीड़ित था। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ एंशियंट इंडिया ऑन ट्रेड रूट कनेक्टिंग कल्याण एंड बेंगी, कल्याण को बेंगी से जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पर प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था, तगार, श्रीपुर, त्रिपुरी, या ताम्रलिप्ति। जल्दी जल्दी आंसर करना है, फटाफट आंसर करें, 10 सेकंड है आप लोगों के पास, यू हैव 10 सेकंड्स टू आंसर, यू हैव 10 सेकंड्स टू आंसर, बी क्विक। दी नहीं भाई, सबसे करेक्ट आंसर इसका तगारा है, तगारा, तगार, तगार इज द इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ एंशियंट इंडिया, वॉज ऑन द ट्रेड रूट ऑफ कनेक्टिंग कल्याण एंड बेंगी, कल्याण और बेंगी को कनेक्ट करने वाले रास्ते पर ये तगारा नामक एक ट्रेड सेंटर पड़ता था, व्यापारिक केंद्र पड़ता था। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ चाइना, वॉट इज तियान वेन वन, चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के संदर्भ में तियान वेन एक क्या है, एक सैटेलाइट है, एक स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन है, एक सुपर कंप्यूटर है, या फिर कोई वेपन है, जल्दी से आंसर करना है इसका, यू हैव 10 सेकेंड्स। ए सैटेलाइट, नहीं भाई, ये एक स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन था, एक्सप्लोरेशन मिशन जो मार्स पे जाना चाहते थे, मार्स की ऑर्बिट में ये परिक्रमा करना चाहते थे, मार्स के चारों तरफ का चक्कर लगाना चाहते थे, उसके ऑर्बिट में जाना चाहते थे, पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में मंगल पे जाना चाहते थे, चाइना वाले, पहला मार्स मिशन था जिसका नाम था TN-11, इसका काम क्या था, कंप्लीट ऑर्बिटिंग लैंडिंग रोविंग इन वन मिशन, एक ही मिशन में परिक्रमा भी कर लेंगे, लैंडिंग भी कर लेंगे और घूम भी लेंगे, और इस तियानवेन का अर्थ होता है स्वर्ग के प्रश्न, और वो भी कैसे, प्राचीन के एक महान कवि थे उनमें से क्यू युआन। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लेड टू जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, हत्याकांड हुआ था, वो किस कारण से हुआ था, आर्म्स एक्ट के कारण, रॉलेट एक्ट के कारण, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, या वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। बी रॉलेट एक्ट, बिल्कुल सही है, मत बिल्कुल सही है, ठीक है, रॉलेट एक्ट 10 मार्च 1919,
10 मार्च 1919 को आया था। इसका क्या काम था कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार करना, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना और बिना कोर्ट ट्रायल के, बिना कोर्ट में पेश किए सजा सुना देना, बिना कोर्ट गए सजा सुनाना। बिना कोर्ट के सजा, ये था रोलेट एक्ट। इसको काला कानून भी कहा गया। गांधी जी के आह्वान पर लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, जिसमें जनरल डायर ने क्या किया था, गोलियां चलवा दी थी। सभी को पता है वहां पे एक बच्चा बचा था 5 साल का, जिसका नाम था ऊधम सिंह। और ऊधम सिंह ने 1938 में जाके जनरल डायर को गोली मार दी थी, उन्हीं के देश में, इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए। हंटर आयोग शिक्षा से रिलेटेड था। चलिए, हु हेड्स द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इन इंडिया। भारत में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर। जल्दी से आंसर करें, 15 सेकेंड से आप लोगों के पास। यू हैव 15 सेकेंड्स टू आंसर। हंटर आयोग शिक्षा से रिलेटेड था। अमर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1873 में, जिसने प्रेस पे पाबंदी लगा दी थी। पाबंदी कैसे, कि कोई भी जैसे कि आजकल वो है ना, मूवीज वगैरह के लिए क्या होते हैं, सेंसर बोर्ड होते हैं, सेंसर बोर्ड हुआ करते थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने कर दिया था कि अंग्रेजी के अलावा कोई दूसरा पेपर छपेगा ही नहीं। ठीक है, तो ईईसीए के और सीसीएए के कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये क्या करते हैं भाई, जितनी भी परियोजनाएं चलती हैं उन परियोजनाओं का कार्यान्वयन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फाइनेंस को इकट्ठा करना, देश में विदेशी निवेश को लाना, आर्थिक क्षेत्र में सभी नीति और गतिविधियों का निर्देशन करना, समन्वय करना, उच्चतम स्तर पर नीतिगत निर्णयों की आवश्यकता होती है और इसको प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया जाता है। हाँ, जनरल डायर की जांच के लिए भी हंटर आयोग, लेकिन कुछ भी नहीं था उसमें, कुछ भी नहीं था। वो लोग कहाँ जांच करते थे, अपने अधिकारियों की जांच थोड़ी करते हैं। द फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट बैलिस्का ऑफ बॉम जैसेस इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया। देखो, जो हंटर कमीशन आया था, मैं उसको कमीशन मानता ही नहीं हूँ। हंटर कमीशन की अगर आप सच्चाई सुनेंगे तो इनको इनको तो बहुत ही अच्छी पदवी मिल गई थी, इनका बड़ा अच्छा नाम था जनरल डायर का, इनको बहुत तारीफें मिली थी, बहुत प्रेज मिली थी इस कांड के लिए। हंटर आयोग ने इनको निर्दोष दिया, करार दिया था। चलिए आंसर करें। फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट बैलिस्का ऑफ बॉम जेसेस इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कौन सी जगह पर है? पौंडीचेरी में है, माही में है, दमन में है या गोवा में है? तो कहां पे है ये? गोवा में है। और गोवा के अंदर, इसके अंदर क्या है, सेंट फ्रांसिस जेवियर की अस्थियां रखी हुई है इस चर्च के अंदर। सेंट फ्रांसिस जेवियर की अस्थियां रखी हुई है। इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखा गया है। ठीक है, रोमन कैथोलिक पैलेस का है गोवा में। चलिए अगला क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग सातवाहन या सातकर्णी रूलर्स रिकवर्ड मालवा फ्रॉम शक रूलर्स। निम्नलिखित में से किस सातवाहन या सातकर्णी शासकों ने शक शासकों से मालवा को पुनः प्राप्त कर लिया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी, सतकर्णी वन, भाला या यज्ञसारी सातकर्णी। किसने शकों से अपना पुराना क्षेत्र मालवा पुनः प्राप्त कर लिया था? गौतमीपुर सतकर्णी, सातकर्णी, हाला या यज्ञसारी। ए, नहीं भाई, यज्ञसारी सातकर्णी ने, ये दूसरी शताब्दी का महान शासक था, अंतिम महान शासक था, जिसने दक्कन और मालवा को वापस प्राप्त किया था शकों से, सॉरी कोंकण और मालवा को वापस प्राप्त कर लिया था, शकों से वापस ले लिया था। और इसके बारे में जानकारी मिलती है नासिक केव से, नासिक की गुफाओं से, कन्हेरी केव से, जहां से पता चलता है कि इन्होंने यज्ञसारी सातकर्णी ने
सक शासकों से कोंकण और मालवा को वापस प्राप्त कर लिया था? विच अशोकन पिलर एडिक्ट प्रोवाइड्स ए लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स किलिंग ऑफ विच वॉज प्रोहिबिटेड? अशोक के कौन से स्तंभ के शिलालेख में उन जानवरों और पक्षियों की सूची दी गई जिनकी हत्या प्रतिबंधित थी? पिलर एडिक्ट 5, 8, 10, 12 और 10। कौन से पिलर एडिक्ट से पता चलता है कि पक्षियों और जानवरों की हत्या प्रतिबंधित थी? अशोक ने कौन से पिलर में अपनी जारी दी थी? 12, नहीं भाई, पिलर नंबर 5, पिलर एडिक्ट 5 में, इसमें दो लिस्टें प्रोवाइड की गई थी अशोक द्वारा। एक लिस्ट ऐसी थी जिसमें से कुछ दिनों पर, कुछ खास स्पेशल दिनों में जानवरों को नहीं मारा जाएगा, ठीक है, और एक में ऐसा था जिनको कभी भी नहीं मारा जाएगा, इनको कभी भी किसी भी ओकेजन पे नहीं मारा जाएगा। साथ ही साथ 25 कैदियों को छोड़ने का भी वर्णन मिलता है, तो 25 कैदियों की रिहाई का भी वर्णन इसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द पाल किंग्स एस्टेब्लिश विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? निम्नलिखित में से किस पाल राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या देवपाल टू? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने या देवपाल टू ने? बी, धर्मपाल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, धर्मपाल। ये सेकंड रूलर थे पाल डायनेस्टी के। फर्स्ट थे गोपाल, फर्स्ट कौन थे? गोपाल थे, दूसरे रूलर थे। इन्होंने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी भागलपुर में, भागलपुर बिहार में, कहलगांव, ठीक है। धर्मपाल ने साथ ही साथ कई सारे बिहार बनाए थे, सोमापुरी का, पहाड़पुर का और उदंतपुरी, ये तीन बिहार बनाए थे जो बहुत ही फेमस है। पांच प्लेसेस जिसमें से नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, सोमापुरी, पहाड़पुर और उदंतपुरी आर कॉल्ड 5 महाविहार्स। इनको महाविहार कहा जाता है। बख्तियार खिलजी ने 1200 AD में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया था, तोड़ दिया था। सोमपुरा महावीरा महाविहार लोकेटेड इन बांग्लादेश, और ये क्या है? एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगला क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स टेराकोटा फीमेल फिगर्स वर डिस्कवर्ड? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर टेराकोटा मादा आकृतियों की खोज की गई थी? जल्दी से बताइए, आंसर करें। टेराकोटा मादा आकृतियों की खोज कहाँ की गई थी? मोहनजोदड़ो में, कोटबाला में, कोटदीजी में या खिरासारा में? हड़प्पन साइट, कौन सी हड़प्पन साइट से टेराकोटा की फीमेल फिगर्स प्राप्त हुई है? कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ है, जो सबसे बड़ा है, ठीक है। ग्रेट ग्रैनरीज प्राप्त हुई है, ग्रेट ग्रैनरीज यानी कि सबसे बड़ा अन्नागार स्टोर रूम, ठीक है। टेराकोटा के टॉयज पाए गए, टेराकोटा टॉयज पाए गए। बियर्ड मैन पाया गया है, बियर्ड मैन की एक प्रतिमा पाई गई है जो रेत से बनी हुई है, सैंड से बनी हुई है। इसके साथ साथ ब्रॉन्ज की एक महिला की, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, नृत्य की मुद्रा में, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल मिली है, ठीक है। मोहनजोदड़ो क्या था? सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर जो सिंध पाकिस्तान में है। 2500, लगभग 5000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले ये बना था। एक अकेली सभ्यता है जिसको सिविलाइजेशन कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि एक शहरी सभ्यता थी। ये क्या थी? एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ पे सब कुछ मैनेज सिस्टम था, पक्की ईंटों के घर होते थे, नालियां थी, डस्टबिन सड़कों पर हुआ करते थे, हर एक घर में अपना एक बाथरूम हुआ करता था, कुएं थे, सब कुछ था। इसके साथ साथ एक सील मिली है, बुल सील, पशुपति सील, ठीक है। इसके अलावा 3 सिलिंड्रिकल सील्स ऑफ मेसोपोटामिया भी मिली है और वोवन क्लॉथ भी मिला है। अगला क्वेश्चन है, द बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बोरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान?
बोरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में? द बोरी विल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कहाँ स्थित है ये? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, 518 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ट्रांजिशन जोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन जोन है, किसके बीच में? फॉरेस्ट एवं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच का सेंटर एरिया है ये। इस सेंचुरी मिक्स डेसीडियस, डेसीडियस बॉम्बू फॉरेस्ट, यहाँ पे बांस के पौधे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं ईस्टर्न हाईलैंड्स में। मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट इको रीजन, इट इज द होम ऑफ टाइगर, लेपर्ड, लेपर्ड, विल्ड बोर, मोंटेसिक डियर, गौर, चीतल, डियर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स आर मैंडेटेड बाई अशोका टू स्प्रेड द धम्मा पॉलिसी ऑफ अशोका? अशोक की धम्म नीति का प्रसार करने के लिए अशोक द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी अधिकारी को अनिवार्य किया गया था? युक्तास, प्रादेशिक, राजकोष। बताइए, किसको? ऑल ऑफ द एबव, सभी को। युक्तास क्या होते थे? युक्तास क्या होते थे? ये क्या होते थे? प्रादेशिक, प्रादेशिक अधिकारी होते थे। ठीक है, ये क्या होते थे? जिले के अधिकारी हुआ करते थे। राजकोष ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकारी हुआ करते थे। और इन सभी का काम क्या था? हर 5 साल में जाके धम्म की नीति का देखना कि धम्म नीति का प्रसार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी तीसरे रॉट एडिक्ट से मिलती है। इसकी जानकारी तीसरे बिल्कुल सही है अमर। द एंशियंट धन्य कटका, विच वॉज द कैपिटल ऑफ द सातवाहन किंगडम, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। प्राचीन धन्य कटका जो सातवाहन साम्राज्य की राजधानी थी, आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अमरावती, गुंटूर, कोल्लूर या थुल्लूर? एंशियंट धन्य कटका विच वॉज कैपिटल ऑफ सातवाहन किंगडम इज लोकेटेड विच इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश? सातवाहनों की राजधानी धान्यकटका प्रेजेंट टाइम में किस राज्य में स्थित है? अमरावती में, गुंटूर में, कोलूर में, थुल्लूर में? सुमन जी नहीं, गुंटूर में है, अमरावती के पास, गुंटूर में, अमरावती के पास, गुंटूर में। और जो सातवाहन राजा है, इन्होंने पहली से तीसरी शताब्दी के बीच में, पहली से तीसरी शताब्दी के बीच में रूल किया था। भाई आप लोगों के लिए प्लस कोर्सेस आ रहे हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ्स के। 1 मंथ की फीस है 1584 रुपीज, 24 मंथ की फीस है 12,672 रुपीज। इसमें आपको मिलेंगे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे आपको, जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएंगे, आपके गोल्स की तरफ ले जाएंगे। साथ ही साथ आपको मिलती है पर्सनल मेंटरशिप। कोर्स ले लिया तो 24 मंथ्स तक अपनी कैटेगरी में आप जितने मर्जी बैचेस में आप एडमिशन ले, जितने मर्जी आप बैचेस के अंदर एनरोल करें, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप जा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी यहाँ पे। साथ ही साथ अगर आप यूज करेंगे मेरा कोड तो आपको मिलेगा 10% का एडिशनल डिस्काउंट। इसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 11,405 रुपये, और इस 11,405 को आप ईएमआई से भी पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो देरी नहीं करनी है, जल्द से जल्द करना है आपको। साथ ही साथ आपको मिल रहा है 20% का डिस्काउंट ऑन कॉम्बो ऑफर, सीडीएस एफकेट सीएपीएफ के साथ साथ अगर आप लेते हैं, एसएसबी की तैयारी भी करते हैं, तो 24 मंथ्स का कोर्स है 16,960 रुपीज में, ओनली 10% का डिस्काउंट यहाँ भी आपको मिलता है। इसके बाद आपकी फीस हो जाती है 15,264। कोड सेम है, रवि, RAVI, RAVI, इस कोड को नोट डाउन कर लीजिएगा। स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए भी ये कोड आपके काम में आएगा, और साथ ही साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लस कोर्सेस को लेना चाहते हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चूल्हे आसमान जिंदगी की तलाश ना कर, जिंदगी
जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। अगला क्वेश्चन है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर फॉलोइंग इज और आर द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न नवरत्न कौन कौन से हैं? अमर सिंह, हरिसेन, कहापन का, या ऑल ऑफ द एबव। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 जेम्स कौन कौन से हैं? नवरत्न कौन कौन से हैं इनमें से? जल्दी से आंसर करें। जल्दी से आंसर करें। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑल ऑफ द एबव, अमर सिंह, हरी सेन, कहापन का। इसके अलावा अमर सिंह क्या थे? संस्कृत के लेक्सिकोग्राफर थे। इन्होंने 10,000 शब्दों की एक डिक्शनरी लिखी थी जिसको अमरकोश कहा जाता था। ये 3 भागों में, कांड 1, कांड 2 और कांड 3 में डिवाइडेड थी, जिसके अंदर होनोनियम, सिनोनियम्स, रूट्स, सभी कुछ इसके अंदर दिया हुआ था। धन्वंतरी क्या थे? मुख्य चिकित्सक थे, मुख्य चिकित्सक थे। हरिसेन क्या थे? हरिसेन ने एक इंस्क्रिप्शन लिखा था इलाहाबाद प्रशस्ति, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, और प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिसेन ने लिखी थी। ये इनको काव्य इंस्क्रिप्शन में 8 स्टैंजास में, पहली बार इन्होंने 8 स्टैंजास में पोइट्री को लिखना स्टार्ट किया था। इन्होंने चंद्रगुप्त से प्रार्थना की थी कि वह पूरी पृथ्वी की प्रोटेक्शन करे, पूरी पृथ्वी की रक्षा करे। कालिदास के नाम से आप सभी वाकिफ है, वर्ल्ड के बेस्ट बेस्ट पोएट्स में से एक माने जाते हैं, वर्ल्ड के वर्ल्ड वाइड बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इनकी प्रशंसा की है, ना ही प्रशंसा की है बल्कि इनके कामों को भी प्रोपेगेट किया है, इनके कामों की भी प्रशंसा की है। कहापन का क्या थे? एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजर थे। शंकु क्या थे? एक आर्किटेक्चर थे जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं। वाराहमिहिर, इनके बारे में आप सभी जानते हैं, 587 में इनकी डेथ हुई थी, उज्जैन के रहने वाले थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जत का। इसके साथ अगले आते हैं वारुची। वारुची भी क्या है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ग्रामवीरियन थे, ग्रामवीरियन थे, व्याकरण वेद थे संस्कृत के, और बेताल भट्ट एक मैजिशियन थे, जादूगर थे। अगला क्वेश्चन है, हु रिबिल्ड द सोमनाथ टेम्पल इन 1815 एडी आफ्टर इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाई अरब इन्वेडर्स इन 725 AD। 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए जाने के बाद 815 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने किया था? 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए जाने के बाद 815 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने किया था? विक्रमादित्य ने, नागभट्ट ने, नागभट्ट टू ने, या मिहिर भोज ने? किसने किया था? तो किसने किया था? नागभट्ट सेकंड ने किया था, ठीक है, 815 में। और 1024 ईस्वी में इसको महमूद ने, महमूद ऑफ गजनी, गजनी का महमूद, इसने सोमनाथ को दोबारा से डिस्ट्रॉय किया था, लूट के ले गया था। इसकी 16वीं बार, 16वां आक्रमण था हिंदुस्तान के ऊपर, 16th अटैक था 1024 में। और 1026 में इसका अंतिम अटैक 17वां अटैक था, जो बदले की भावना से हुआ था। इसका काम सिर्फ और सिर्फ लूटना था, लूटना था, ठीक है। इन्होंने जो बनवाया था वो लाल पत्थरों से, लाल बलुआ पत्थरों से बनवाया था। नागभट्ट ने 715 में रेड सैंड स्टोन से बनवाया था, जो 1024 में गजनी द्वारा तोड़ दिया गया। द सिपाही जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सिपाही जिला वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, केरला में, त्रिपुरा में, मणिपुर में? सिपाही जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? सिपाही जिला वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, केरला में, त्रिपुरा में, या मणिपुर में? कहाँ पे है? मणिपुर में, मणिपुर के अंदर है ये, सॉरी, कहाँ पे? त्रिपुरा में है। त्रिपुरा के कौन से जिले में? त्रिपुरा में है ये, विशालगढ़, विशालगढ़ जगह पे है ये, ठीक है। 18.53 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। किसके लिए? क्लाउडेड लिपट के लिए, क्लाउडेड लिपट के लिए
फेमस है, आर्टिफिशियल लेक भी है यहाँ पे, साथ ही साथ नेचुरल बोटेनिकल एंड जूलॉजिकल गार्डन्स भी है, 150 स्पेसीज है यहाँ पे बर्ड्स की, ठीक है। यहाँ पे बेस्पेक्टेकल्ड मंकीज, फेरिस लंगूर पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ कीर्तार्जुनिया, निम्नलिखित में से कौन कीर्तार्जुनिया के लेखक थे, भारवी, दंडिन, बारहवीर या कालिदास। कीर्तार्जुनिया के लेखक कौन थे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ कीर्तार्जुनिया, कीर्तार्जुनिया के लेखक कौन थे, कीर्तार्जुनिया के लेखक थे भारवी, भारवी ने कीर्तार्जुनिया की लेखक लिखी थी जिसका नाम था अर्जुन एंड द माउंटेन मैन, अर्जुना एंड द माउंटेन मैन, 6ठी शताब्दी में संस्कृत पोएट थे भारवी। अगला क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑल द पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड न्यूलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन सीक्वेंस, निम्नलिखित में से किस स्थल पर सभी पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण स्थल क्रम से पाए गए हैं, सराय नाहर राय, कुर्नूल वैली, विलन वैली या आहार। आहार, जल्दी बताइए किस जगह पर तीनों युगों के स्थल पाए गए, पुरापाषाण के, मध्य पाषाण और नवपाषाण के स्थल क्रम से पाए गए हैं। करेक्ट आंसर इसका बेलन वैली है। बेलन वैली कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में है, ठीक है, जहां से पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक तीनों सीक्वेंस में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बेस्ट डिफाइन द न्यूलिथिक डिपोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण क्रांति को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कर सकता है, हरित क्रांति, प्रौद्योगिक क्रांति, दूध क्रांति या कृषि क्रांति। नवपाषाण युग को कौन सी क्रांति से सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है, नवपाषाण काल में किसकी खोज हुई थी, किसकी हुई थी, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, कृषि क्रांति हुई थी, ठीक है। न्यूलिथिक में 12,000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, कृषि की शुरुआत हुई थी, विश्व में अलग अलग जगहों पर कृषि की शुरुआत हुई थी, लोगों ने जंतुओं को पालना, जानवरों को पालना सीख लिया था, कृषि करना शुरू कर लिया था, लोग एक जगह पे रहने लग गए थे, आबादी बढ़ने लग गई थी, शिकार और इकट्ठा होने की जीवन शैली से कृषि और निपटान एक था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस असिस्ट ए कंट्री विद द एडजस्टमेंट प्रोसेस अंडर इट्स एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन किसी देश को उसकी विस्तारित निधि सुविधा के तहत समायोजन प्रक्रिया में सहायता करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या न्यू डेवलपमेंट बैंक। जल्दी से आंसर करें, कौन सा संगठन किसी देश को उसकी विस्तारित निधि सुविधा के तहत समायोजन प्रक्रिया में सहायता करता है, तो करेक्ट आंसर इसका है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। जब भी कोई देश किसी संकट में होता है, किसी भी प्रकार की अगर उसके पास फाइनेंशियल, किसी भी तरह की अगर उसके पास कोई फाइनेंशियल पेमेंट का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो इंटरनेशनल फंड उसको क्या करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसको असिस्ट करता है और एडजस्टमेंट प्रोसेस को एक्सटेंड करके फंड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, देश की सहायता करता है। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, क्रिस्टियाना जॉर्जीवा है, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में, चीफ इकोनॉमिस्ट यहाँ की गीता गोपीनाथ है, मेन ऑर्गेन इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UN है और फॉर्मेशन इसकी हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, एट विच अमंग द फॉलोइंग सेशंस ऑफ मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना हैड इन्वेंटेड ए न्यू स्लोगन, डिवाइड एंड क्विट, डिवाइड एंड क्विट का नारा, फूट डालो और छोड़ो के नए नारे का आविष्कार किसने, कौन से सेशन के तहत किया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने, लखनऊ सेशन में, कराची सेशन में, लाहौर सेशन 1940 में या कराची सेशन 1943 में। आंसर करें इसका, मोहम्मद अली जिन्ना ने फूट डालो और छोड़ो के नया नारे का आविष्कार कौन से सेशन में किया था, लखनऊ सेशन 1931 में, कराची सेशन 1933, लाहौर सेशन 1940 या कराची सेशन 1943। तो करेक्ट आंसर इसका कराची 1943, 1943, 1943 में, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, एक पाकिस्तान, एक नए देश की मांग की थी जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए होगा।
इसको कराची वेलकम्स कैद आजम कहा जाता था, ठीक है। 1943 में इन्होंने ये नारा दिया था, फूट डालो और छोड़ो। अगला क्वेश्चन है अभिधम्म पिटिका, डील्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अभिधम्म पटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मेंबर्स ऑफ ग्रेट कम्युनिटी, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, मैटर्स ऑफ साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। महान समुदाय के सदस्य, बुद्ध की शिक्षाएं, नैतिक संचार संहिता, मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा के मामले। हेलो अलका परमार, हेलो कैसे हैं आप। अभिधम्म पिटिका किससे संबंधित है? अभिधम्म पटका किससे संबंधित है? तो किससे है? मैटर्स ऑफ साइकोलॉजिकल एंड मेटाफिजिक्स, मनोविज्ञान एवं तत्व मीमांसा के मामलों से संबंधित है अभिधम्म पटक, ठीक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीन पिटक हैं किसके? बौद्ध धर्म के। द दारोजी सरोवर बियर सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दारोजी सुस्त भालू अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दारोजी सुस्त भालू अभयारण्य, दारोजी स्लोथ बियर सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? जल्दी से बताएं, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में या केरला में? दारोजी स्लोथ बियर सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? काय देख तू नहीं अलका, ए ए बिल्कुल सही, कर्नाटका में है, कर्नाटका में है। स्लोथ बियर सुस्त भालू जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटका में, कहाँ पे? बल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, ठीक है। ये 82.72 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अंडर द सेंचुरीज फ्लैगशिप स्पेसीज इन इंडियन स्लोथ बियर, जिसका नाम है मेलुसस, मेलुरसस, यूरिसनस। सम स्पेसीज ऑफ मैमल्स रिकॉर्डेड इन दिस सेंचुरी आर लेपर्ड, मॉनिटर लिजर्ड, मोंगूज, पेंगोलिस एंड स्टार टॉर्टोइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आमचंद वाइल्डलाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आमचंद वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आमचंद वाइल्डलाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? पौंडीचेरी, कर्नाटक, पंजाब और असम। AWS, आमचंद वाइल्डलाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आंसर करें। डी डी बिल्कुल सही आंसर है, असम में है, बिल्कुल सही, असम में है ये। असम के अंदर कामरूप डिस्ट्रिक्ट में, असम के अंदर कामरूप डिस्ट्रिक्ट गुवाहाटी, 78.64 किलोमीटर में फैली हुई है ये। इसके अंदर आमचंग रिजर्व फॉरेस्ट है, साउथ आमचंग रिजर्व फॉरेस्ट एंड कहानपारा रिजर्व फॉरेस्ट है। द सेंचुरी रिप्रेजेंट वन ऑफ द रिच एंड इकोलॉजिकल डाइवर्स हैबिटेट फॉर द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट स्पेसीज। हॉलक गिबन, चाइनीज पेंगोलिन, फ्लाइंग स्क्वेरल, उड़ने वाली गिलहरी, असामी मैकू, कैब्ड लंगूर, स्नो लॉरिस, लिपर्ड, एलिफेंट, सांबर, बार्किंग डियर, भौंकने वाला हिरन, गौर। ये सब क्या है? यहाँ के प्रिंसिपल मुख्य जानवर है यहाँ के। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, स्थल मंडल का संयोजन क्या है? ऊपरी कोर और निचला कोर, ऊपरी क्रस्ट और निचला मेंटल, पपड़ी और मेंटल का सबसे ऊपर का भाग, मेंटल और कोर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? लिथोस्फीयर के अंदर क्या क्या शामिल है? लिथोस्फीयर के अंदर क्या क्या शामिल है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। बी नहीं भाई, सी होगा, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। देखिए चार लेयर्स है ऐसे, सबसे ऊपर क्रस्ट, देन अपर मेंटल, देन लोअर मेंटल। आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। पूरी क्रस्ट और अपर मेंटल का थोड़ा सा भाग, अपर मेंटल का थोड़ा सा भाग जब लिया जाता है तो इसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर कहा जाता है।
इसकी जो डेप्थ है वो 10 से लेके 200 किलोमीटर है, 10 to 200 किलोमीटर के बीच में आती है ये, ठीक है। एटमोस्फियर यानी हमारा वातावरण, बायोस्फियर जहां पे हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, लिथोस्फियर यानी स्थल मंडल, और हाइड्रोस्फियर यानी कि जल मंडल। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, द कालीमंथन, कालीमंथन इज द पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। कालीमंथन निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या कैम्बोडिया। कालीमंथन किस देश का हिस्सा है, थाईलैंड का, मलेशिया का, इंडोनेशिया का या कैम्बोडिया का। बी, नहीं भाई नहीं, इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया में एक बोर्नियो आइसलैंड है, बोर्नियो, बोर्नियो आइसलैंड, उस आइसलैंड का पार्ट है कालीमंथन। ये कैसा है, ऊबड़ खाबड़ स्थान है, ऊबड़ खाबड़ स्थान है। इस बोर्नियो में से 70% कालीमंथन रखता है अपने पास, ठीक है। 73% बोर्नियो में से जाइंट रग्ड रग्ड आइसलैंड है इन साउथ ईस्ट एशिया। इसको मलय आर्किपेलागो भी कहा जाता है। आर्किपेलागो का मतलब क्या है, ऊबड़ खाबड़ द्वीप, ऊबड़ खाबड़ द्वीप। चलिए ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बीइंग विद मी। क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना। डेली 8 बजे, रात को 8 बजे से मेरी क्लासेस होती है। इन क्लासेस के अंदर आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगा, थ्योरेटिकल क्लासेस होती है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ रोज रात को 8 बजे। साथ ही साथ स्पेशल क्लासेस के अंदर भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, स्पेशल क्लासेस में मेरे साथ कनेक्ट हो। रोज सुबह 10 बजे से क्लास होती है, रोज सुबह 10 बजे क्लास होती है, आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ईश्वर आप सभी लोगों का